नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। भारत ही नहीं, दुनिया की राजनीति में लोकप्रियता के शिखर पर पिछले करीब 7.5 साल से जमे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबले के लिए विपक्षी दलों ने कवायद शुरू कर दी है। हालांकि आम चुनाव में अभी 2.5 साल का समय है, लेकिन विपक्षी दलों की बेचैनी देखकर लगता है कि चुनाव सिर पर आ गया है। इस बेचैनी का एक कारण ये भी है कि विपक्ष के पास ऐसा कोई सर्वमान्य चेहरा नहीं है जो वास्तव में मोदी का मुकाबला कर सके। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और शरद पवार जैसे चेहरे जरूर विपक्ष के पास हैं, लेकिन दिक्कत यही है कि इनमें से कोई भी न तो विपक्ष को पूरी तरह स्वीकार्य है और न ही देश भर में इनकी लोकप्रियता समान रूप से है। विपक्ष के ये नेता अभी से ही ताल ठोक रहे हैं। उनके पास अपने अपने तर्क और दावे हैं, लेकिन विपक्षी खेमे में किसी रणनीतिकार के नहीं होने से नरेंद्र मोदी से मुकाबले के लिए चेहरा तैयार करने में कई रुकावटें आ रही हैं। अभी कोई चेहरा फाइनल होने में समय लगेगा और कम से कम अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले इसका ठोस आकार ले पाना नामुमकिन दिखता है। फिर भी विपक्ष के पास उपलब्ध चेहरों और दावेदारों की स्थिति का विश्लेषण तो किया ही जा सकता है। आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह की खास रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोरोना की आपदा से निकलकर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र पुरानी रॉ में वापस आने लगा है। लॉकडाउन, मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीनेशन की गूंज अब धीमी पड़ने लगी है और भारत लोकतंत्र के सबसे अहम यज्ञ यानी चुनावी मोड में आने का संकेत देने लगा है। अगले साल की पहली तिमाही में यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे, जिन्हें 2024 के आम चुनावों से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है। विधानसभा के चुनाव राजनीतिक दलों के एजेंडे में तो है ही, 2024 के लिए उनकी तैयारी अभी से ही शुरू हो गई है। इस तैयारी में सबसे बड़ा सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी का विकल्प कौन। पिछले 7.5 साल से न केवल भारत में बल्कि दुनिया में लोकप्रियता के शिखर पर जमे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प तलाशने की जल्दबाजी विपक्षी खेमे में अधिक दिखती है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इस बारे में फिलहाल निश्चिंत दिखता है। विपक्ष की बेचैनी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कभी ट्रैक्टर, कभी साइकिल, कभी नाश्ता तो कभी चाय पर चर्चा कर वो इस मुद्दे पर ज्यादा सक्रिय नजर आ रहा है। पिछले महीने महंगाई के मुद्दे पर अपनी बहुप्रचारित साइकिल यात्रा के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जब लिखा, ना हमारे चेहरे जरूरी हैं, ना हमारे नाम, बस ये जरूरी है कि हम जनप्रतिनिधि हैं। हर एक चेहरे में देश की जनता के करोड़ों चेहरे हैं जो महंगाई से परेशान है, यही हैं अच्छे दिन। तो राजनीतिक हलकों में इस बात पर बहस छिड़ गई कि विपक्ष 2024 में नरेंद्र मोदी से मुकाबले के लिए किसे अपना चेहरा बनाएगा। क्या राहुल गांधी को ये जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर बंगाल में भाजपा के विजय रथ को रोकने वाली ममता बनर्जी के कंधों पर होगा लगभग अपराजय मोदी और भाजपा को सत्ता से हटाने का दायित्व। राजनीतिक गलियारों में इस पर खूब चर्चा चल रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष तैयारी में 3 साल पहले ही जुट गया है। लेकिन क्या सभी विपक्षी पार्टियों को चाय नाश्ते पर एक साथ बुला लेना, फोटो खिंचवा लेना, साइकिल से संसद जाना, इन सब से विपक्ष एकजुट हो जाएगा? क्या ये इतना आसान है? और अगर मुश्किल है तो रास्ते की अड़चने क्या हैं? ये सही है कि साथ नाश्ता करना, साइकिल चलाना नए आइडिया हैं, लेकिन विपक्ष को एकजुट होने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना है। सबसे अहम सवाल नेतृत्व लीडरशिप का होने वाला है। आखिर वो किसके नेतृत्व में एकजुट होंगे, वो चेहरा कौन होगा? क्या राहुल का नेतृत्व क्षेत्रीय पार्टियों को स्वीकार होगा?
पिछले दिनों ममता बनर्जी ने विपक्षी एकता की धुरी के रूप में कांग्रेस की दावेदारी को खारिज कर दिया और अपना दावा सामने कर दिया। लेकिन अब महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ सरकार चला रही शिवसेना ने ममता की दावेदारी को खारिज कर कांग्रेस का समर्थन कर दिया है। ममता बनर्जी ने पिछले दिनों अपने दिल्ली दौरे पर राहुल और सोनिया से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने नेतृत्व के सवाल पर चुप्पी साध ली। वैसे विपक्षी दलों के साथ लाने की एक कोशिश शरद पवार भी करते दिख रहे हैं। उनके घर पर भी बैठक हो चुकी है जिसमें बहुत ज्यादा नेता नहीं पहुंचे थे। ओम प्रकाश चौटाला ने भी तीसरे मोर्चे का राग छेड़ा है। हाल ही में उनकी नीतीश कुमार से मुलाकात हुई जिसने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। इन तमाम कवायदों मुलाकातों में सबसे बड़ी जमघट कांग्रेस के आयोजनों में ही हुई जिसमें 16 में से 14 पार्टियों के नेता शामिल हुए। बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी उसमें शामिल नहीं हुई। इसलिए इस बात में फिलहाल तो संदेह की पूरी गुंजाइश है कि 2024 से पहले पूरा विपक्ष एक साथ हो जाए। कुछ पार्टियां खुद को तटस्थ कहलाना पसंद करती हैं जो मुद्दों पर आधारित समर्थन भाजपा को देती हैं, लेकिन पूरी तरह से किसी के साथ नहीं हैं, जैसे नवीन पटनायक, जगमोहन रेड्डी, केसीआर आदि। यही वजह है कि विपक्ष की एकजुटता में नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं। भाजपा भी इसी सवाल पर विपक्ष पर वार कर रही है। लेकिन इन तमाम पहलुओं में से एक ये भी है कि भले ही कांग्रेस में अंदरूनी कलह चल रही है, पिछले दो लोकसभा चुनावों में उसे ज्यादा सीटें न मिली हो, विधानसभा चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर न रहा हो, लेकिन इन सब के बावजूद कांग्रेस अब तक बिग ब्रदर वाले अपने रोल से बाहर नहीं निकल पाई है। मोदी से मुकाबले के लिए विपक्ष का चेहरा कौन, ये सवाल तो वैसे कई नेताओं और राजनीतिक विश्लेषकों से पूछा गया, लेकिन जैसे ही ये बात भाजपा के एक नेता से की, उन्होंने पलट कर पूछा, क्या आज भारत में राष्ट्रीय स्तर पर सभी विपक्षी दल मिलकर भी ऐसे किसी विकल्प का दावा कर सकते हैं? उनका कहना है कि किसी भी लोकतंत्र में एक स्वस्थ विकल्प का हमेशा स्वागत है, लेकिन पीएम मोदी ने किसी के लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा। वो आगे कहते हैं कि एक राजनेता के रूप में मोदी अपने विरोधियों से कई कदम आगे हैं। राजनीतिक विमर्श में वो किसी से पीछे नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने जो कद हासिल किया है उससे सभी हैरान हैं। विपक्ष में ऐसा कोई चुनौती देने वाला नहीं है जो उनकी तुलना में भी करीब आ सके। ये एक कठोर वास्तविकता है और विपक्ष इसे जानता है। इससे ये कड़वा सच नहीं बदलेगा। कुल मिलाकर फिलहाल विपक्ष में एक चेहरे पर मत्तक्य अभी दूर की कौड़ी ही दिख रही है। ऐसा कोई चेहरा अब तक सामने नहीं आया है जो सही मायने में मोदी से मुकाबले के लिए तैयार दिख रहा हो। स्थिति में किसी नतीजे पर पहुंचना खतरनाक ही होगा। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता को भी उम्मीद है कि कई चुनौतियों के बाद भी मोदी का जादू चलता रहेगा और भाजपा को 2024 में सत्ता में लौटने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि विपक्ष या उनके नेताओं ने पिछले 7 सालों में मतदाताओं को ये समझाने के लिए बहुत कम काम किया है कि वे मोदी या भाजपा से बेहतर शासन दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि क्या विपक्षी दल उस समय तक एक साथ रहेंगे और क्या वे एक निर्विवाद नेता के नाम पर सहमत होंगे, इस समय उसका अनुमान लगाना मुश्किल है। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।